बीएसपी यूथ का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए युवा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि संपूर्ण देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण, पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण, सीएनजी के कारण, खाने पीने की वस्तु, फल सब्जियां, दालें आदि तमाम प्राथमिक ज़रूरत की चीज़ें यह भी महंगी होते जा रही है। और इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर आप देखते हैं तो कोई भी विपक्ष बोलता हुआ नज़र नहीं आता। जिस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस बात को लेकर कभी भी आवाज़ नहीं उठा रही है और ना उठाती है। तो ऐसे में बीएसपी यूथ अब सड़कों पर आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 मई मतलब कि आज के दिन बीएसपी यूथ का बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ है, जिसमें कई युवाओं ने भाग लिया, हिस्सा लिया और इस महंगाई के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया है। इस तरह की समस्याओं पर हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। मैं यहाँ से ये आगाह भी करना चाहता हूँ कि आने वाला जब हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो बेरोजगारी के विरोध में, ठीक है। जिस तरीके से समस्याएं देश में पनप रही है लगातार, उन सारी समस्याओं को लेकर हम संवेदनशील हैं और उन सारी समस्याओं को हम लगातार उठाते रहेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किन मुद्दों को उठाती है, ज़्यादातर धर्म के मुद्दों को उठाती है, ज़्यादातर वो राइट्स जो है ना करवाने वाली बातें करती है। और मीडिया हाउस में बैठ के आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो वास्तविक है, जो एक राजनीतिक तौर पर जो बातें होनी चाहिए। बाकी देशों में भी जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ भी सरकार मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है, हमारे देश में भी सरकार मॉनिटरी पॉलिसी। अभी हाँ, टेलीविजन में जो उठते हैं मुद्दे उनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर जनता भी तो उन्हीं में रुचि ले रही है। घंटों घंटों बैठ के डिबेट देख रहे हैं, टीआरपी बढ़ रही है इसीलिए वोट दिखा रहे हैं, वो महंगाई का, बेरोजगारी का, इन मुद्दों की उसे भी चिंता नहीं लग रही है, ना ही सड़कों पर दिखाई दे रही है। आज आप देखिए उतर कर आए, कितने लोग आपके साथ में आए। देखो, हम जैसे हमने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम जिन लोगों के जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों को एक मैसेज तो जाएगा कि यार बाकी में देश के अंदर बाकी मुद्दे और भी हैं। जैसे हम टीवी के सामने बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए मीडिया डिबेट देखते हैं और उन पर अपनी जो है ना प्रतिक्रिया देते हैं और उन पर दिलचस्पी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज आज का है ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक करेगा कि मुद्दे और भी हैं, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये जो युवा लोग हैं, ये जाके जो सड़कों पर आज आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले कि ये सब नेचुरल है, सरकार क्या कर सकती है, सरकार पक्ष के लोग ये कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी देश में सरकार जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी से ही महंगाई की दर को कम या ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और सरकार ने देख लिया है कि हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो धार्मिक चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए वो इन मुद्दों को हटकर दूसरे मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और इसीलिए लगातार वो इस तरह की गतिविधियां करती रहती है। वास्तविक तौर पर हमें इस बात से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, वो जो एजेंसी है वो देख ही नहीं है, लेकिन मीडिया हाउस ये एहसास कराना चाहती है कि हमारा ध्यान इन मुद्दों से हटकर और बॉर्डर पे पहुंच जाए, हम अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्याओं को भूलकर इन मुद्दों पर ज़्यादा अहम दिलचस्पी रहे। हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों से हटकर जो उनके किसी काम के नहीं है उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन मुद्दों से उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सीधे सरकार पर यह दबाव डाला जाए, आज यहाँ पर अगर 100 लोग इकट्ठे हुए हैं कल को 500 लोग इकट्ठे होंगे, 5000 इकट्ठे होंगे, 5 लाख इकट्ठे होंगे, सरकार को लामबंद करने की हम पूरे प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आज का जो दौर लगातार बिगड़ते हुए हालात बन रहे हैं वो आने वाले समय में और घातक हो सकते हैं। लेकिन इस लगातार बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो इस देश के किसान हैं, इस देश का वो गरीब तबका जो दिहाड़ी करके अपने घर परिवार को पालता है। और ऐसे में ये जो पेट्रोल डीजल हो या सीएनजी हो, इनकी जो कीमतें लगातार बढ़ते जा रही है, इससे आम जनजीवन, आम लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता है और उनकी तमाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो प्रभावित होती है। और इसीलिए बीएसपी यूथ के माध्यम से इन तमाम लोगों के हक अधिकारों की बात करने के लिए
दिल्ली के जंतर मंतर पर एक हल्ला बोल आंदोलन किया गया, जिसमें तमाम जो मांगे हैं उन्होंने रखी। उनका कहना है कि सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, यह बहुत प्राथमिक चीज़ें हैं और ये आम लोगों की ज़रूरत है, तो इनकी कीमतों को कम करने की मांग की गई है। साथ ही बेरोजगारी, शिक्षा और इन बात को लेकर भी आवाज़ उठाई गई। फल, सब्जियां, दालें, जो प्राथमिक जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, इनकी भी लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इस बात से जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ बनते हुए बीएसपी यूथ की, जो युवा वर्ग है बीएसपी यूथ का, वो अब सड़कों पर आया है और तमाम आम लोगों की आवाज़ उठा रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।